मुझे आपसे यही उम्मीद थी भानु भाई, लेकिन ये अगर कोई और था शायद वो कहता कि ये आपकी गलती की वजह से टूटा है। लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाबू व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो अगला दिन शुरू हो चुका है जी, और काम आपको पता है कि कल शुरू किया हुआ था, कल फाइनल नहीं हो सका, लेकिन आज जो है काम हमने दोबारा शुरू किया है। कल जो मैंने कल वाली वीडियो अगर आपने देखी तो उसमें मैंने बताया था कि जो किचन का कलर लगा हुआ था, पेंट हुआ था, उसको उतारना था। तो काफ़ी देर जो उसके ऊपर लगती है एक चीज़, उससे जो है ना वो उतरता है, लेकिन वो नहीं मिल रहा था। लेकिन फाइनली भाई जिसने उतारना था वो आ चुका है, वो अपना काम कर रहे हैं। देखिए नीचे गट्टा ही गट्टा वहाँ पड़ा है। तो ये टाइल का डब्बा आप देख सकते हैं, ये हमने वापस करना है। इसकी जो टाइलें हैं ना वो टूट गई थी, ये इसमें काफ़ी पीस जो ऐसे हैं वो जो टूटे हुए हैं, वो दोबारा हमें काम नहीं दे सकते। तो इसलिए कि हमें चेंज भी करना है और वापस भी करना पड़ेगा। तो ये आपको अंदर का काम दिखा सकते हैं, ये देखें जी, ये तकरीबन यहाँ तक फाइनल हुआ था, कल मैंने आपके साथ शेयर किया था। और इसके अलावा ये फर्श का जो है ना ये रहता है, तो फर्श आपको पता है कि सेम जो है ये वाला कलर है, ये ही लगना है। तो इसके लिए जो है ना हमें वो टाइल लानी पड़ेगी। उन्होंने जो एक डब्बा वो हमें ज़्यादा दे दिया था, ये वाइट वाला, तो ये वाइट वाला हमारा किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये तो मुकम्मल हो चुका है। तो इस तरह का हमने ये वापस करके और ये लाना, अगर ये फर्श अगर ना भी टूटी तो फिर ये हमें वापस करनी ही पड़नी थी, क्योंकि ये कलर और है और हमें जो है ये डार्क है ये वाला कलर चाहिए था। तो ये है कि अभी इसको वापस करते हैं, फिर एक्सेशन का काम जो वो शुरू करने लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, किचन का काम जो है वो शुरू हो चुका है। जो उस पर डस्ट वगैरह थी, जो कली वगैरह, जो पेंट वगैरह लगा हुआ था, उसको साफ़ कर लिया। और साफ़ करने के बाद जो है ना वो तकरीबन एक घंटा गुजर चुका है, काम शुरू हो चुका है। और अहमद साहब ये देख सकते हैं सामने जो हमने डिज़ाइन, इसके दो डिज़ाइन थी, या तो ये वाला डार्क कलर लगता नीचे और ऊपर वाइट, और ये सेम ही ऐसे लगता, और दूसरा डिज़ाइन ये था कि जैसे ये वाला लगा हुआ है, ये कॉर्नर्स में आ गया और ये कॉर्नर में आ गया, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, इसको फाइनल कर लिया। और ये क्योंकि दूसरे घर में काम किया था, तो वहाँ भी हमने सेम यही डिज़ाइन लगाया था। तो अगर आप भी लगवाना चाहते हैं तो ये है कि इस तरह डिज़ाइन लगाएं, ये ज़्यादा खूबसूरत और जो है ना वो अट्रैक्टिव लगेगा। तो दूसरा ये है कि मैंने आपको दिखाया कि वो टाइलें जो वो टूटी हुई थी, मैंने भाई हाँ बान भाई जो है तैबा टाइल वाले, उनको उनकी वीडियो सेंड की है कि ये देखिए आपकी टाइल टूटी हुई है। तो उन्होंने जी हमें मैसेज जो बैक किया, जो अभी दिखाता हूँ उन्होंने मैसेज हमने क्या किया, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने उनको मैसेज किया था, ये मैंने उनको बल्कि पूरी वीडियो जो है ना वो बना के भेजी थी कि आपकी ये टाइल टूटी हुई है, तो उन्होंने ये मैसेज किया। अस्सलाम वालेकुम, अच्छा है ना, तो जिनकी लगदियाँ ला ले, बाकी कोई नहीं बदल लिया, कोई मसला नहीं। तो ये है कि उन्होंने हमें कह दिया है कि आप जो है ना वो टाइलें बदल लें जो आपकी टूटी हुई है। तो मुझे आपसे यही उम्मीद थी भानु भाई, लेकिन यह अगर कोई और था शायद वो कहता कि ये आपकी गलती की वजह से टूटा है, लेकिन यह है कि आपकी मेहरबानी, आपका शुक्रिया भी है कि मुझे पत्थों पर जाना पड़ेगा। आप हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरे हैं, तो इंशाल्लाह आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। अभी मैं निकलता हूँ थोड़ी देर तक, और यह है कि चेंज करवा के इसको ले आता हूँ, क्योंकि ये लगनी है वाशरूम में, और वाशरूम का काम जो है वो कल होना, वैसे भी आज जो मिस्त्री भैया उन्होंने थोड़ा सा जाना है जल्दी, तो ये किचन का जितना काम हो सके ये कर लेंगे जो टाइम तक, उससे पहले पहले जो है ना, बल्कि जो उसके बाद मैं जाऊँगा और इसको इंशाल्लाह चेंज करवा के वो ले आऊँगा, अहमद साहब को साथ ले जाएंगे। अहमद साहब जाना है पत्तो की ला मैं तो टाइलें चेंज कराने जाना अहमद से, ये है कि टाइलें जो वो पकड़ी नहीं जाएंगे, उनके वजन उनका ज़्यादा होता है, तो इसलिए किसी और बंदे के साथ ट्रेस करेंगे तो फिर जो है ना जाएंगे हम जाना किसी और बंदे को ट्रेस करके साथ जो है वो लेके जाएंगे। सुबह के भागम भाग में लगे हुए हैं, नाश्ते का जो है ना वो टाइम ही नहीं मिला, बल्कि नाश्ते का कह सकते कि भूल ही गए थे बिल्कुल। तो अभी मैंने सोचा क्यों ना जाने से पहले नाश्ता कर लिया जाए। तो जनाब लस्सी बन रही है राशिद साहब अपनी, ये छुपा के बना रहे हैं, पता नहीं किससे छुपा के बना रहे हैं भाइयों का आदत तो पता लग जाएगा। हाँ छुपा के बना रहे हैं, तो अभी लस्सी भी पीते हैं और साथ जो है ना ये एक बन जो है वो खाते हैं, डॉन वालों का जबरदस्त स्पॉन्सर स्पॉन्सर फिर स्पॉन्सर, ये स्पॉन्सर बन है तो ये खाते हैं, साथ लस्सी तैयार हो चुकी है, और खा के जो है ना फिर निकलते हैं जनाब
टाइल वापस कर रही है और टाइल मिस्त्री साहब से पूछ लेते हैं क्योंकि किचन के जो टाइल है उसके पीस जो है ना वो कम हो गए हैं, तो वो भी पूछ लेते हैं मिस्त्री साहब से कि हमें कितने पीस और चाहिए, वो भी ले आएंगे और साथ जो वापस करनी है चेंज करवानी है वो भी कर रखते हैं। ये आ गया जी बंद माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको इसमें डिप करते हैं। हाय हाय, मज़ेदार है। वैसे भूख लगी हो तो कोई भी चीज़ हो वो आपको मज़ेदार लगती है। ठंडी ठंडी लस्सी है और खालस दही की हो तो फिर तो चार चांद लगते हैं, मज़ा आ गया। क्या बात, बंदा मैंने घेर लिया जी माशाल्लाह। हबीब भाई आज मेरे साथ पत्तों की जा रहे हैं और ये टाइल मैंने आपको दिखाई कि ये वाले पेज जो है भाई ये कम हो गए, ये हमें और चाहिए। ऐसा जी कितने चाहिए ना? तीन पीस। ये तीन पीस चाहिए जी, ये वाले कम हो गए हैं तो ये हम मज़ीद जो है कि तीन और ले आते हैं, तो इससे ये होगा कि हमारा काम जो है वो फाइनल हो जाएगा। और बाकी जो डब्बा हमने वापस करना है वो ऊपर पड़ा हुआ है, ऊपर से लेके आते हैं। आ जाओ भीम साहब, ऊपर से लेके उसको जनाब मोटरसाइकिल पे लोड करते हैं और साथ भीम साहब को लेके जाते हैं। वैसे तो ये है कि टाइम दोपहर का, फुल दोपहर का हुआ पड़ा है, लेकिन ये कि मौसम काफ़ी हद तक ठीक है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, हवा चल रही है काफ़ी ज़्यादा, तो वो टाइम ये देख सकते हैं कि नज़र नहीं आ रहा होगा, 12:30 बजे का तकरीबन टाइम हो चुका है। और ये चाचा जी जो फिलिंग है वो कर रहे हैं, जो कल ये वाला आपको पता है कि मुकम्मल हो चुका था, इसमें फिलिंग रहती थी, तो इस दीवार पे हो चुकी है फिलिंग, इस पर अभी बाकी रहती है। तो ये भी हमारे आने तक किचन वाला काम तकरीबन मुकम्मल हो जाएगा और ये फिलिंग वगैरह भी हो जाएगी। ये वाला लेके चलते हैं डिब्बा। ऐ पकड़ो जी, पहुंच चुके हैं जी दुकान पे और यहाँ पर उनको डब्बा वापस कर दिया। ये वाला डिज़ाइन था हमारा, ये वाला हमें चाहिए, ये वाला किधर गया भाई, क्योंकि ये एक्स्ट्रा था मेरे ख्याल है और ये ही टूटा था, और ये कि ये हमें चाहिए था, इस तरह के एक और डब्बा हम ले लेते हैं। और इसके अलावा जो किचन की चाहिए वो भी उनको बता देते हैं कि किचन भाई ए वाला दिता जी ना, ए वाला ए सेम डिज़ाइन है, अपना काम ही वीडियो बना रहा है, परेशान ना होया करो। ए किचन दे भी ना भाई तीन पीस दे दो, ए वाले हाँ जी। वहाँ से दुकान से टाइलें लेके वहाँ कुछ दुकान पे पड़ी हुई थी जो वॉशरूम वाली थी वो हमने उधर से ले ली, और जो किचन वाली चाहिए थी वो इधर गोदाम पे पड़ी हुई हैं, तो वो भाई अंदर गए हुए लेने के लिए, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो वहाँ पर जाना वो वीडियो बनाने में मुनासिब नहीं है, तो भाई अंदर लेने गए हैं, हम बाहर वेट कर रहे हैं। और ये हमने इधर रख ली है और दूसरी जो है वो इंशाल्लाह भाई लेके आते हैं, तो वो भी है उसको रख लेते हैं साथ। ये हमारी आ चुकी है जी किचन की भी टाइल और सेम हो, क्योंकि हमें यही चाहिए थी, एक था जिसमें बिस्किट्स लगे हुए हैं तो वो वाला डिज़ाइन कुछ और था, लेकिन हमारा जो था वो सिंपल था। शुक्रिया भाई जान, मेहरबानी। ये भाई ने जी वीडियो देखी हुई थी तो भाई ने मोहब्बत दी है, इनका शुक्रिया बहुत ज़्यादा। तो यह टाइलें वापस भी हो गई हैं और ये जब काम जो है फाइनल हो जाएगा। शुक्रिया भाई जान, मेहरबानी। अभी निकलते हैं जी वापस और फिर इंशाल्लाह घर जा कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी खैरियत से घर पहुंच गए थे, उसके बाद खाना छाना खाया क्योंकि भूख काफ़ी ज़्यादा लगी थी, और जो है पत्तों की से कोई चीज़ भी नहीं खाई क्योंकि जल्दी में गए हैं और जल्दी में ही वापस आ गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि मिस्त्री लगे थे और टाइम जो वो कम था, ये कि उन्होंने टाइल का काम जो हुआ किचन का मुकम्मल करना था लेकिन वो मुकम्मल नहीं हो सका। आके काम में आपको दिखा देता हूँ कि उन्होंने कितना काम किया है, ये देख सकते हैं कि ये सामने देख सकते हैं कि ये लगा दी है सारी, और ये जो अलमारी बनी हुई थी इसके अंदर भी टाइल लग जाएगी, ये मज़ीद जो है ना खूबसूरत हो जाएगी। और उसके अलावा ये देख सकते हैं जी इधर अलमारी बननी थी सारी लकड़ी की, इसलिए जो है ना ये उन्होंने लगा दिया, थोड़ा सा आगे अलमारी बनेगी। इसी तरह ये सारा मुकम्मल हो चुका है, ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। अभी यह है कि ये जो रथ है इसको भी कल जो है ना बंद कर देंगे और नीचे भी कल इंशाल्लाह लग जाएगा,
तो ये कि सारा जो कल मामला जो है वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो को इधर ही एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।